ये देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से काट लेना चिकन। मैंने हाफ करके काट लिया, आप लोग चाहे हो तो फुल भी काट के रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से काट लेना ताकि आप लोग का मसाला ऐसे क्रिस्प लगा देना, ताकि आप लोगों का मसाला बराबर पकड़ लें, है ना। तो दिखा रहे हैं मसाला कैसे बनाते हैं। ये देख लो, चिकन हमने काट के तैयार कर लिए हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी चिकन मसाला बना रहे हैं, देख लो पेपर का। तो देखिए टिप्स कैसे बना रहे हैं। पहले थोड़ा गर्म मसाला ले लेना कुछ इस तरीके से। अगर दो अरफम का कर रहे हो, दो मुर्गी का, थोड़ा ही लेना, ज़्यादा मत लेना। जीरा पाउडर, ये हो गया हमारा तंदूरी मसाला, तो जितना डालना। उसके बाद में थोड़ा चाट मसाला ऐड करना। उसके बाद जो भाई अहम चीज़ है, हमारा पेपर, पेपर ले लेना, क्यों ये पेपर अल्बम है इसलिए पेपर इसको ज़्यादा चाहिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे मास्टर ऑयल, देख रहे हो, थोड़ा सा ऐड करना है, हो गया। अब इसमें दही ऐड करेंगे, ये देखो दही ऐड कर रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा। आप लोग चेक कर लेना ताकि नमक अगर शॉर्ट हो गया थोड़ा डाल लेना। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो मैंने मसाला लगा लिया है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगा लेना। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ऑर्डर आ चुका था इसलिए मैं चला गया। इसमें अंडा डालना आप लोगों को दिखाना भूल गया था, इसमें अंडा ज़रूर डालना। अंडा जितना आपका अल्फाम है उस हिसाब से आप अंडा डालना। इसको अंडा डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा क्रिस्पी आता है ना फ्रेंड्स। देखो कुछ इस तरीके से मसाला लगा के रखा लेना है। अब इसको रेडी करके हम आपको डिस्प्ले में करके दिखाएंगे, क्योंकि यार ब्रो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने टिप तो दिखा दिया, आप लोग एक एक टिप इस तरीके से फॉलो कीजिए, आपका अल्फाम पेपर अल्फाम अच्छा बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, मिलते हैं एंड में। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा पेपर जाल को रेडी हो रहा है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये देखो हमने हमस बनाया है चने का, और ये माइनस है अंडे और लहसुन का बना हुआ है। देखो रेडी हो गया हमारा अल्फाम। अब हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट में रख के आपको डिस्प्ले करके दिखा देंगे आप लोगों को। देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मतलब मेरे को तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। देखो हमारा पेपर अल्फाम बन तैयार हो गया, इसमें हमने आलू का चिप्स डाल दिया थोड़ा। ये बच्चे लोग भी बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट में बताओ कैसे लगा। देखो यार बस क्लास बन के तैयार हो गया हमारा पेपर चारकोल। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना, कमेंट में जरूर लिखना कैसा लगा मेरा चारकोल अल्फाम। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे किचन में एक डिस्पेंस चल रहा है ना, इसी वजह से आवाज़ बराबर नहीं आ रही होगी फ्रेंड्स आप लोगों को। देखो मैंने फ्लावर लगा दिया इसलिए आप लोगों को अच्छा लगे फ्रेंड्स। देखो मैंने ज़रूर बताया आप लोगों का मनपसंद पेपर चारकोल बन के तैयार हो गया। तो हाय फ्रेंड्स, हमने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, चिकन जो है वो मैरिनेशन करके रखना, दही और अदरक लहसुन डाल के मैरिनेशन करके रखना 10-15 मिनट आधे घंटे तक रखना, क्योंकि आपका मसाला ना बहुत अच्छा टेस्ट बन के तैयार होता है। वो पेपर अल्फाम हो या सादा हो या अरबी के स्पेशल हो,
कुछ भी हो या पेरी पेरी हो, उसको मैरिनेट करके रखो ताकि आप लोगों का अल्फम बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनके तैयार होता है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सपोर्ट करो यार ब्रो अपने छोटे भाई को ताकि मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से लेके आ सकूँ, है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।